हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय गुंजन गौर। आज का हमारा टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये बुलियन अलजेब्रा जो हमारा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक है, ये नॉर्मल या कन्वेंशनल अलजेब्रा से किस तरह से डिफरेंट है। कन्वेंशनल अलजेब्रा में हम ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, प्लस, डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे जिसमें हमारा ज़ीरो या वन बाइनरी डिजिट्स यूज़ होंगी। और वो लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे तीन तरह के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके ट्रुथ टेबल के थ्रू। पहला ऑपरेशन आता है लॉजिकल एंड। एंड को हम नॉर्मली मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं, या हम इसको डॉट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, और उनके बीच में हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए एंड बी, तो हम इसको ए डॉट बी भी रीड कर सकते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया छोटा सा। अब इसके लिए हमें ये वाली ट्रुथ टेबल बनाई है हमने। ट्रुथ टेबल में ज़ीरो और वन के चार कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल। एक तो दोनों ज़ीरो हों, या 0 1 1 0 एंड 1 1, ये टोटल चार ऑपरेशन हमारे बनेंगे फॉर टू वेरिएबल्स। अगर दोनों, अब हम नॉर्मली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स की, तो अगर उनमें से कोई सा भी एक ज़ीरो होता है तो रिज़ल्ट आता है ज़ीरो। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये दोनों ज़ीरो हैं, 0.0 रिज़ल्ट आएगा ज़ीरो, 0.1 रिज़ल्ट आएगा ज़ीरो, 1.0 रिज़ल्ट आएगा ज़ीरो, 1.1 रिज़ल्ट आएगा 1। तो हम इसको वन लाइन डेफिनेशन दे सकते हैं कि इफ बोथ द इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी 1। तो ये इसकी वन लाइन डेफिनेशन हो सकती है लॉजिकल एंड। तो यहाँ पर क्या है, बाकी तीन के केसेस में ज़ीरो आया है और सिर्फ एक केस में वन आया है हमारे पास रिज़ल्ट। तो एंड ऑपरेशन का रिज़ल्ट वन कब आएगा, जब हमारे दोनों इनपुट वन होंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉजिकल एंड। चलो अब हम करते हैं लॉजिकल और। इसी टेबल में मैं चेंज कर देती हूँ। और हमारा प्लस की तरह वर्क करता है, तो लॉजिकल और लिखेंगे हम यहाँ पर, और ये प्लस की तरह वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पर करती हूँ ए और बी, ए और बी मीन्स हो गया ए प्लस बी। जब हम प्लस करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास, 0 प्लस 0। ज़ीरो को हम जितने टाइम्स ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। अगर इसका डेफिनेशन क्या बनती है हमारी, इसकी डेफिनेशन बनती है इफ़ एनी इनपुट इज़ वन, अगर कोई सा भी एक इनपुट वन है तो रिज़ल्ट वन आएगा। अब ये चेक करते हैं, यहाँ पर एक वन है, 0 प्लस 1 1 होता है नॉर्मली भी, 1 प्लस 0 1 होता है, कोई सा भी एक इनपुट वन हो गया तो बस वन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों वन है, 1 1 है, तो इनका रिज़ल्ट भी वन ही आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी इफ़ बोथ द इनपुट आर ज़ीरो देन द रिज़ल्ट विल बी ज़ीरो अदरवाइज 1। तो ये हमारा लॉजिकल और ऑपरेशन है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन
इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब बताया हुआ है, वो भी हमने बाइनरी को यूज़ करके बताया है। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब हम करते हैं लॉजिकल नॉट। नॉट के लिए क्या होता है, नॉट का मीनिंग क्या होता है, कन्वर्ट करना या बार करना। अगर हमारे पास सिंबल सिर्फ दो हैं, ज़ीरो एंड वन, अगर ज़ीरो गिवन है तो उसको कन्वर्ट करके नॉट करके आ जाएगा वन, अगर वन है इनपुट तो उसको कन्वर्ट करके आ जाएगा ज़ीरो। तो वो करके देखते हैं किस तरह से होता है। नॉट हमारा यूनरी ऑपरेटर है, यानी वो इसका मतलब वो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ होगा। यहाँ जैसे डबल ऑपरेंड यूज़ हो रहे थे ए और बी, वो यूज़ होगा सिर्फ ए या सिर्फ बी के साथ, सिंगल वेरिएबल लेना है तो हमें टेबल चेंज करनी पड़ेगी नॉट के लिए। नॉट का मतलब जनरली होता है बार, लॉजिकल नॉट इसका होता है बार। तो मैंने बोला कि एक ही वेरिएबल लेना है, यानी एक वेरिएबल लिया, सिंगल वेरिएबल के दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो ज़ीरो दिया होगा या वन दिया होगा। अगर ज़ीरो दिया हुआ है तो नॉट ए आएगा वन, नॉट का मतलब कन्वर्ट करना, ज़ीरो का रिजल्ट वन आ जाएगा, वन का रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। नॉट ए को हम ए बार भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका टेबल बनाएंगे। अब इसको हम लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। जब हम किसी भी बाइनरी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका उल्टा आ जाएगा, मतलब अगर हमने कोई बाइनरी नंबर ज़ीरो दिया है तो उसका वन आ जाएगा, और वन दिया है तो उसका ज़ीरो आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा या उसका बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। आज की वीडियो में हमने किया बूलियन अलजेब्रा, जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम इससे अगला टॉपिक लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं।